आज अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर के मरकजी दफ्तर उर्दू बाग में उनके यासमीन सुल्ताना फारूकी के तवस्सुत से इल्मा यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई और इन्हें देखकर ये अंदाज़ा होता है कि उर्दू का मुस्तकबिल भी ताबनाक है। अस्सलाम वालेकुम प्यारों, क्या हाल है। उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं बल्कि एक एहसास है। 40 से ज्यादा बोले जाने वाली जबानों का एक मजमुआ है। बहुत सी अनकही कहानियों की एक नामुकम्मल सी दास्तान है, मोहब्बत का दूसरा नाम है, और ये एहसास अब बस एक जबान बन के रह गया, ऐसा मुझे लगता था। तो जब मैंने ये बात अपनी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के सामने कर दी तो उन्होंने मेरे इस लगने को दूर करने के लिए और मुझ जैसे और बहुत सारे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं कि अभी एक एहसास नहीं रहा, हमारी इस सोच को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो हमने पाकिस्तान में मौजूद उर्दू अदब के दिल में लेके जाएं, जिसका नाम है अंजुमन तरक्की उर्दू। बारे में ऐसा क्या खास है, इतनी आराम से हम लोगों ने इसको उर्दू अदब का दिल कह दिया है। तो वो अभी हम जब आपको आके दिखाएंगे ना, आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिलता रहेगा। पहले मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री बता दूं यहाँ की कि पाकिस्तान में मौलवी अब्दुल हक को, बल्कि पूरी दुनिया में मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू के नाम से जाना जाता है। तो वो भी इस जगह के फाउंडर्स में से एक थे। ये बहुत मेजर बात है जो कि बतानी जरूरी थी, क्योंकि आगे जब मैं आपको म्यूजियम साइट दिखाऊंगी ना तो आप लोगों के जहन में सवाल जरूर आएगा कि यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक की पिक्चर्स और उनकी सारी चीजें, बट आई वॉन्ट टू स्पॉइल इट। इस जगह में अंदर दाखिल होते साथ जो पहला ख्याल आपके जहन में आएगा, आपको लगेगा कि आप 50 से 60 साल पीछे आ चुके हैं। वही तहजीबी माहौल, अदबी फिजा, सुकून, लकड़ी का ग्रीन इंटीरियर, गर्ज ये कि एक लफ्ज में कहूँ तो खूबसूरत। अदबी अदब का आलम तो ये था कि जिन अंकल को हमारी पिक्चर्स लेने के लिए बुलाया गया था वो डे लाइट होने के बावजूद भी अपने कैमरे में मौजूद फ्लैश लाइट से हमारी पिक्चर ले रहे थे, जिसका रिजल्ट ऐसा ही आया जैसे 1900 के दौर में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के विजिट की पिक्चर ली हो। हमें इस जगह पर अनवर शौर और किश्वर नाहिद साहिबा जैसे मशहूर शख्सियात से मिलने का भी शर्फ हासिल हुआ। अब भाई उर्दू का व्लॉग बना रहे तो थोड़ी उर्दू तो बोलनी पड़ेगी ना। एक बच्ची ने भी तस्वीर देखी थी आपकी, असल लगी आज तक हम लोग जिन पेपर्स को एस्थेटिक पेपर्स का नाम देते हैं, विंटेज पेपर का नाम देते आए हैं, आज मुझे पता लगा है कि दरअसल उन पेपर्स की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि उन पेपर्स के ऊपर मौजूद जो लिखाई है उसको डिजिटाइज किया जाता है, क्योंकि वो पेपर्स की मैथ ज्यादा नहीं होती, अगर उनको कोई हाथ लगाएगा तो वो फट सकते हैं, और जो चूरा चूर हो जाता है, जो पुरानी किताब है जिनकी कोई और रिटन फॉर्म मौजूद नहीं है, उनको डिजिटाइज किया जाता है, डिजिटली उनको टाइप किया जाता है, स्कैन किया जाता है। इसका एक अलग तरीका है जो तरीका हमें दिखाया गया। हम जैसे किताबों से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए ये जगह जन्नत थी। यहाँ आपकी सारी सख्ती खत्म। मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी किताब के अंदर, किसी नॉवेल के अंदर, किसी कहानी के अंदर मौजूद हूँ। इतनी ये कोई खूबसूरत जगह थी, जब तक आप इसको अपनी आंखों से विटनेस नहीं करेंगे आप इस चीज को फील नहीं कर सकते। यहाँ की ना फीलिंग ही अलग थी। देख रहे हैं जो छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है, बेसिकली यहाँ पर मौलवी अब्दुल हक के सुवीनियर्स रखे हुए हैं, उनके मेडल्स, उनके आखिरी अयाम की जो पिक्चर्स थी, यानी उनके आखिरी वक्तों में जब वो बीमार रहे, फिर उनकी जो शेरवानी थी, उनकी जो लिखाई थी, तमाम चीज़ों को यहाँ पर महफूज किया गया था।
मोटी मोटी किताबें होती हैं उनको शेप किस तरह से दिया जाता है, उनके पेपर इतने ऑर्गेनाइज कैसे होते हैं, उनकी कटिंग किस तरह से की जाती है। चलो इतने साइज की बुक को तो समझ आता है, लेकिन इस साइज की बुक को कोई कैसे कट कर सकता है? और ये शायद बहुत मिनिमम बता रही हूँ, इससे भी बहुत मोटे मोटे नॉवेल्स, बुक्स और शायरी की किताबें मौजूद है। जैसे ये तो कुलियात इकबाल यानी अल्लामा इकबाल की शायरी का मजमूआ है। आई वॉज सो अमेज्ड जब मैंने देखा कि बुक्स की कटिंग के लिए अलग से एक मशीनरी के पास मौजूद थी, जो बहुत बड़ी मशीन थी और बहुत नाजुक भी थी। हमें कहा गया था कि इससे दूर रहेगा, जरा से भी आप लोगों ने इसका नट बोल्ट इधर से उधर कर दिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो बुक्स को कट करने के लिए एक बड़ी मशीन होती है, आपको पता था? नहीं पता था ना, अब याद रखना। कटिंग होती है, पेजेस बराबर काटते हैं तो पूरी किताब यही बनती है ना। आ जाओ, रुक जाओ, ऊपर से। और जाहिर है उर्दू अदब को इज्जत देने वाले लोग हों और मेहमान नवाज ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमें जाने से पहले प्रॉपर हाई टी दी गई जो कि काफी अच्छी थी और उनकी चाय बहुत अच्छी थी। आप लोग आप लोग इस एरा में, ये बहुत बदनसीब भी है हमारी कि हम आप लोगों को एक अजीब कल्चर देके जा रहे हैं। यानी हमारा कल्चर था बड़े प्यार के कल्चर था, मोहब्बत का कल्चर था, बहुत सोलो आइटी का कल्चर था। आपका मजहब आपको ये सिखाता है कि किसी के साथ आप किसी अगर कोई झूठा खुदा भी हो तो उसको आप बुरा ना कहें, वो आपके सच्चे खुदा से बुरा कहेगा। वही नहीं बल्कि हमें साथ में कुछ सुवेनियर्स भी दिए गए, जिसके अंदर तीन तरह की अलग अलग किताबें थीं जो कि हर एक स्टूडेंट को एक एक दी गई। एंड वो मैंने अभी तक पढ़ी तो नहीं है, लेकिन वो रखी हुई है एंड होपफुली मैं उसको पढ़ने का टाइम निकाल लूँगी। और मेरा एक मशवरा आप लोगों के लिए, लाजमी जो भी लोग कराची में रहते हैं ना, एक दफ़ा ज़िंदगी में इस जगह को ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके जाविया पर्सपेक्टिव बदल जाएगा जब आप इस जगह पर जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल रास्ता नहीं है। एनएड यूनिवर्सिटी हमने देखी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। उसके बिल्कुल सामने वाले रोड पे एक स्कूल है, उसके लेफ्ट साइड पर एक गली जा रही है जो एक पहाड़ नुमा गली है, उसके ऊपर जाए आपको उर्दू बाग का बोर्ड दिखेगा, सामने अंजुमन तरक्की उर्दू। लाजमी एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा और जब भी जाएँ तो मुझे स्नैप्स, स्ट्रीक्स या स्टोरी वगैरह ज़रूर बताइएगा कि आप लोग गए हैं। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं और बाजू का एक बात कर रहे थे कि वो एक साहब लखनऊ में थे, बाथरूम से बाहर निकले तो निकलने से पहले वहाँ लिखा हुआ था कि आपने जो कुछ यहाँ किया है तो आप उस पर पानी फेर के जाइएगा। आप जो मैंने गुफ्तगू की है उस पर पानी फेर के जाइएगा।